Hey guys, welcome back to a new video. मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई करा था इंडीड पे, जो कि सोशल मीडिया मैनेजर के ऊपर थी. तो इसमें बेसिकली मुझे उनका अकाउंट हैंडल करना पड़ेगा और पोस्ट वोस्ट करने रहेंगे चीजें, एंड शायद एड्स भी रन करने पड़े. तब वो आर्ट्स बनाते हैं ऐसे वॉल हैंगिंग वाले, तो उसके ऊपर है. एंड उन्होंने आज बुलाया, तो अभी 11 बजे इंटरव्यू. देखो, डर तो डर की बात नहीं है, डर नहीं लग रहा बिल्कुल. ऐसा है कि क्या सवाल पूछेंगे, और अगर मेरे को ये चीज़ बनी नहीं तो फिर वो बोले कि तुम्हारी सैलरी इतनी कम करेंगे या फिर ऐसे होगा. ठीक है, कोई नहीं, चलता है. कोई स्किल नहीं आती तो बोल देंगे कि नहीं आती. पहुंच तो गए हैं, काफी जल्दी पहुंच गए हैं. 10:11 में ही पहुंच गए हैं. काफी अंदर है यार स्टेशन, तो दिक्कत ही है बस, वरना सही रहे. गाइस, आधे रास्ते पहुंच गए हैं. यहाँ से मैं ऑटो चेंज कर रहा हूँ. पैदल तो बहुत दूर था, 3-3.5 किलोमीटर है, तो नहीं चल पाए. तो अभी टाइम हो रहा है 10:35, और ठीक है, पहुँच जाते हैं जल्दी से. फिर वहाँ से फ्री होती तुरंत कॉलेज आएंगे. गाइस, अभी हम मेट्रो में आ गए हैं, और हम मेट्रो में इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमारा जो पहला इंटरव्यू वो बहुत बेकार गया था, क्योंकि वो एक बहुत बकवास सी जगह थी. अभी हम लोग जा रहे हैं एक कोमेलीगढ़ के गेम की कंपनी है, उधर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. तो वो कीर्ति नगर ऐसा. तो बाकी मैं आखिरी में बताऊँगा पहले वाली भी क्या हुआ था, क्या चुप हुआ था. अभी देखते हैं, ये वाली जो इंटर्नशिप है, मतलब इंटर्नशिप है, जॉब नहीं, ये कॉलेज में प्रोवाइड करी ऐसा. तो सेकेंड ईयर वाले शायद मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए वहाँ पे, बाकी देखते हैं. अल्लाह, दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? छाता नहीं होगा तो मैं तो टैन होके मर जाऊँगा. ये क्या है? यहाँ पे मंदिर है शायद कोई सा बड़ा सा. यहीं से अंदर जाना है घर से. चलो, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं. देखते हैं कहाँ है. इस बार डिसअपॉइंट नहीं होना, मतलब बहुत दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा. चलो पहले वहाँ घूमा और फिर यहाँ घूमना पड़ेगा. देखो, ये मंदिर है. ओ, कितना अच्छा लग रहा है. शेर महादेव सेवादार चैरिटेबल सोसाइटी, दिस इज नाइस. Guys, this is the waiting room, and Sneha बैठी है. जो एग्जाम हो रहे हैं हमारे क्लास वाले हैं. अब वो एडजस्ट करना पड़ेगा, यू नो. बैक टू अनदर व्लॉग. अनदर व्लॉग नहीं है, हम लोग इंटरव्यू के लिए कंपनी में आए हैं, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, लॉगटेल करके नाम है इसका कुछ. एंड ये हमारा शानदार सा ऑफिस है, तो मुझे ऑफिस अलॉट हो गया है. एंड यहीं पे मैं सारी मीटिंग्स कंडक्ट करूँगा. जैसे आप देख सकते हैं, टीवी भी है मेरे लिए, एसी भी है, पर्सनली मेरे लिए है. एंड बाहर वो बच्चे देखो, वो लाइन से खड़े हैं, मैं उनको इंटरव्यू लेने वाला हूँ. तो हाँ, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट फॉलो करिए मुझे. ओके, थैंक यू गाइस. ये बच्चे आ गए हैं, जैसे मैंने आप लोग को बोला था, सब इंटरव्यू देने आए हैं. किस किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वैसे? भाई एच आर की तो पोजीशन ही नहीं आई गाइस. कार्तिक दरवाजा बंद कर दे, आवाज जाएगी.
Hey, so I'm back from the interview. So basically why I got rejected was, see, whenever you go to a interview, mostly the company thinks that this person is going to be, what we say, this person is going to be loyal towards the company. He will not leave the company until or unless there are very big issues. So that was the thing I did. Actually, I didn't told them that I was going to be loyal, not even one time in the whole conversation as they were expecting it. But so what I want you to do is that whenever you go to a company's interview, while explaining things, just say to them, I see my future in this company and and I basically wanna grow my career with your company. This is a really good company. As soon as you say this sentence, they will think that ये मेरी कंपनी छोड़ के तो नहीं जाएगा एंड ट्रेनिंग वगैरह मैं इसे दूंगा तो उसमें मेरा नुकसान नहीं होगा. तो दैट इज़ वाई यू विल गेट ऑप्टेड मोस्ट लाइकली इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स. एंड ये गलती मैंने करी एंड आगे जाके मैं ये नहीं करूँगा. इट वॉज रियली फुल ऑफ मी टू डू दैट. वेल आई वेंट टू इंटरव्यू फॉर 3 कंपनीज. फर्स्ट वॉज किबा आर्ट हाउस फॉर सोशल मीडिया. दैट वॉज नॉट गुड. ही रिजेक्टेड मी. द सेकेंड कंपनी आई गॉट माई इंटरव्यू वॉज एट Comely Enterprises, which is a gaming, real money gaming site. So there I applied for the influencer marketing course and basically they said I'm not loyal towards the company and I won't be able to grow with them. So that's why I got rejected. Third is I recently went to a company which was Yoctel company. And they provided sales. The job profile was to do sales in the products and or calling. So I didn't like them and I rejected them. So basically ya to main reject ho raha hu ya to main unko reject kar raha hu. To main chahta hu tum demotivate nahi ho. Tum is cheez ko as a good thing lo and next time when you will go to an interview say these things. Isse tumhara select hone ka chance zyada ho jayega. And don't think about ki yaar this is going to be tough. This will be tough, but you need to do it in order to build a better future of you. Thank you for watching. I'm the everything guy.